जी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी भोपाल से कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का मिनी मंत्रिमंडल आज दोपहर 12 बजे शपथ लेने जा रहा है। जी हाँ, राजभवन के सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने 5 मंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं जिन्हें आज शपथ दिलाई जा रही है। जिस तरह से लगातार देश का दिल मध्य प्रदेश जो है लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों की चुनौतियों से निपट रहा है, लगातार जो संक्रमण के आंकड़े हैं उस पर नियंत्रण पाने के लिए पूरी की पूरी सरकार रणनीति के साथ जुटी हुई है, ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने अहम विभागों की जिम्मेदारी जो है कैबिनेट के तौर पर मंत्रियों में बांटने की जो है रणनीति तय कर ली है। और जो 5 नाम तय कर दिए गए हैं, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आलाकमान से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 5 अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी जो है मंत्रियों को दे रहे हैं। कहा जा रहा था, लगातार विपक्ष भी इसे लेकर सवाल उठा रहा था, ये भी आरोप लगा रहा था कि मध्य प्रदेश में ना तो स्वास्थ्य मंत्री है, ना गृह मंत्री है, ना किसानों की कोई परवाह जो है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को है। लिहाजा ऐसे जो अहम मंत्रालय हैं जो कि सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, जनता से सरोकार रखते हैं, अब उनके मंत्री यहां पर तय कर दिए गए हैं। फिलहाल एमपी न्यूज के सूत्रों की माने तो जिन 5 नामों पर भारतीय जनता पार्टी ने सहमति दी है वो कुछ इस प्रकार है। पूर्व मंत्री रहे मध्य प्रदेश में, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, लगातार उप मुख्यमंत्री के पद के लिए भी उनके नाम की चर्चाएं रही, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नाम पर सहमति बनी है, उन्हें एक अहम जिम्मेदारी जो है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मिलने जा रही है। आज 12 बजे वो शपथ लेंगे राजभवन में। इसी के साथ साथ कांग्रेस का पाला छोड़कर के भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री तुलसीराम सिलावट का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है, उन्हें भी जो है अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा रही है। जिस तरह से लगातार पिछली सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, अब देखना होगा कि शिवराज सरकार में उन्हें किन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि वो स्वास्थ्य मंत्रालय को संभालने से जो है अपनी अनिच्छा जरूर जाहिर कर चुके हैं, ऐसे में देखना होगा कि उन्हें किस अहम मंत्रालय की जो है बागडोर सौंपी जाती है। इसी के साथ साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है, वो भी आज ठीक 12 बजे जो है राजभवन में होने वाले सादे शपथ विधि समारोह में शामिल होंगे और वहां पर उन्हें जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसी के साथ साथ कमल पटेल, जी हां, हरदा से आने वाले कमल पटेल का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है और वो जो है आज 12 बजे यहां पर शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि कमल पटेल को स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो वहीं महिला चेहरे के तौर पर जो है बीजेपी ने मीना सिंह का नाम जो है तय किया है, वो उमरिया से आती है, वहां पर उनका अच्छा क्षेत्र में दबदबा है, लिहाजा उनका नाम भी लगभग तय माना जा रहा है, वो भी जो है आज 12 बजे शपथ ले सकती हैं। फिलहाल ये 5 नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आलाकमान ने भी इन्हें लेकर सहमति दे दी है। कहा जा रहा है कि 5 से 7 मंत्रियों को जो है आज शपथ दिलाई जाना है। ये मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का मिनी मंत्रिमंडल होगा और खासतौर पर वो अहम विभाग जो कि सीधे जनता से जुड़े हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, चुनौतीपूर्ण हालातों में जिन मंत्रालयों में यहाँ पर मंत्री की जरूरत थी, अब वहां पर मंत्री रहेंगे, वो कमान संभालेंगे। और कहा भी जा रहा है कि आने वाले अगले 24 घंटों में जो है ये तमाम मंत्री जो है फील्ड में उतर जाएंगे, ताकि लगातार जो तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है वहां पर विपक्ष की न केवल बोलती बंद की जा सके, बल्कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में जो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लग रहे थे कि वो वन मैन शो जो है चला रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। बहरहाल देखना होगा कि आज किस तरह से सादे समारोह में, सादगीपूर्ण अंदाज में, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला तय करने के बाद कैसे मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि तकरीबन 1 या 1.5 घंटे में जो है तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा और आने वाले समय में यानी कि 3 मई के बाद लॉकडाउन जब खत्म होता है तो उसके बाद जो तमाम बड़े चेहरे हैं उन्हें भी जो शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं जिनका नाम होल्ड पर रख दिया गया है, उनमें भूपेंद्र सिंह का नाम शामिल है, गोपाल भार्गव का नाम शामिल है, इसी तरह से कांग्रेस से बीजेपी में आए बिसाऊ लाल सिंह का नाम शामिल है, इंदल सिंह कंसाना का नाम शामिल है और भी सिंधिया समर्थक विधायकों के नाम शामिल है। कहा जा रहा है कि जब अगला विस्तार होगा जो कि संभवतः मई महीने में होना है, वहां पर जो है तमाम नामों को जो है जगह दी जाएगी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की कैबिनेट में। फिलहाल ये 5 नाम तय हैं जिनमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल और मीना सिंह के नाम पर सहमति बन गई है। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है।